ये तो मेरी बेटी शालिनी है, यहाँ क्या कर रही है? ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे शालिनी, अरे बेटा यहाँ इतनी दूर? तुमको घर से बाहर निकलने में डर लगता था, दिन भर तैयारी करती रहती थी अपनी नीट की, और आज इतनी दूर यहाँ एकांत में क्या कर रही हो? वो पापा, आज ना पढ़ाई करके थोड़ा घुट रही थी अंदर से, मैंने सोचा घूम लेती हूँ, मन फ्रेश हो जाएगा। अरे तो ठीक है, लेकिन कम से कम कॉलोनी के पार्क में चली जाती, वहाँ टहल लेती, इतनी दूर क्यों आई है? पापा मैं तो पार्क में जाना भूल ही गई। ये सब छोड़ो पापा, आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो रात को 10 बजे आते हैं। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना बेटा कि आज ना हमारे ऑफिस के जो बॉस है ना, उनकी दादी गुजर गई, स्वर्गवासी हो गई, तो एक घंटे की शोक सभा हुई, उसके बाद सारे एम्प्लॉयज की छुट्टी कर दी गई। मैं भी ऑफिस में क्या करता बैठा बैठा, बोर होता तो मैं भी घर की तरफ निकल दिया, लेकिन तू यहाँ, खैर छोड़, तू चल घर, चल घर चलते हैं। हाँ पापा। अरे शर्मा जी, यहाँ कैसे? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं भी थोड़ा ऐसी काम से आया था, गाड़ी की सर्विस करा लेते, पैसा देने आते नहीं है, गैराज से सीधा चला आया, देख रहे हो कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। और आप घर पे सब कुशल मंगल है ना, सब बढ़िया? अरे सब बढ़िया, ये क्या, मैंने अपनी गाड़ी पे चादर डाली थी, धूप इतनी हो रही है, किसी महाशय ने अपनी गाड़ी पे डाल ली है, गलत बात है कि नहीं? अभी मेरी गद्दी गर्म हो गई होगी, अब मैं बैठूंगा तो मैं जल जाऊंगा, हटाता हूँ इसको मैं। ये कौन है? अब ओए कौन है तू? मुझे तो लग रहा है शर्मा जी ये कोई ना चोर वगैरह है, और जो लास्ट टाइम हमारे यहाँ चोरी हुई थी ना, कोई पेट्रोल चुरा लिया था गाड़ी का, मुझे लग रहा है जरूर इसने चुराया होगा। तो अबे आप सब बता, तू चोर है ना? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अबे चुप कर, हर चोर यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं करी है, मैं चोर नहीं हूँ। तो जैसे लोग ही होते हैं तो चोरियां करते फिर रहे हैं। अरे 4 दिन पहले हमारे यहाँ गाड़ी में से कोई पहिए चुरा के ले गया था ना, जरूर इसी ने चुराया होगा। अरे आप चिंता मत करो, इसकी तो मैं खबर लेता हूँ, पुलिस को फोन करूंगा ना, पुलिस आएगी और इसके पिछवाड़े पटा बजाएगी ना, पिछवाड़ा सुझा देगी अच्छी तरीके से, तब ये उगलेगा कि ये चोर है। रुक जाइए एक मिनट, बुलाता हूँ। चंगाली कुछ करो, तुम्हारे पापा पुलिस को फोन कर रहे हैं, मैं अंदर चला जाऊंगा। पापा आप पुलिस को कॉल मत करो, क्योंकि ये कोई चोर नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? शर्मा जी आपकी बेटी और ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है हमको? भाई साहब आप जाइए, मैं इनको देखता हूँ। ठीक है ठीक है। एक बात बता, तू नीट की तैयारी कर रही है, डॉक्टर बनना चाहती है, तू यहाँ एकांत में इस लड़के के साथ कर क्या रही है, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? पापा I'm sorry, मैंने आपको बताया नहीं, पर मैं क्या करती, आप इतने गुस्से वाले हो, अगर मैं आपको शेयर करती कि मेरा कोई फ्रेंड है जिसे मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ, तो आप तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देते, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। और पापा लेकिन आप गुस्सा मत करो, मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। बता नहीं पाई, तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है दूसरी लड़कों के साथ में, पता नहीं मोहल्ला पड़ोस में क्या क्या कहानी फूसी होती होगी तेरे खिलाफ, मैं तो बहुत संस्कारवान समझता था, लेकिन नहीं गलत फहमी थी। अब देख आज की बात, तेरी पढ़ाई दिखाई सब बंद, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, पापा मैं हारी, तैयारी बंद आज की बात।